किसान भाइयों, जो हम आप ये पेड़ देख रहे हैं इसमें कौन सी पोषक तत्व की कमी है, आज मैं इसी वीडियो में बताएंगे। क्योंकि किसान भाइयों, आप लोगों को नाइट्रोजन और पोटाश की कमी, इसमें आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम हो जाएगा कि हमारी फसल में कौन से पोषक तत्व का कमी है। तो सब पोषक तत्व को आप डाल दिए, आपकी धान की फसल अच्छी तरीके से पैदावार देगी। तो किसान भाइयों, आप जो ये पौधा देख रहे हैं इसमें पूरे तरीके से पेड़ हरा है, ग्रीन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें की जो लास्ट पत्तियां हैं ये पीली पन दिखाई दे रही हैं। तो इसमें आप लोगों को पोटाश की कमी है, क्योंकि जो हमारी पोटाश की कमी होती है उसमें जो है हमारा लास्ट की जो पत्तियां होती हैं वो पीली हो जाती हैं। पीली होने के बजाय वो धीरे धीरे सड़ जाती हैं, जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं ये सड़ गई हैं। तो इसी तरीके से ये देख लीजिए पीली हैं। अगर आपकी खेत में नाइट्रोजन की कमी है तो आप लोगों का जो है पूरा पेड़ एक समान पीला होगा, और वो पूरा ही पेड़ पौधा पीला हो जाएगा, और जिससे कि आप अपने खेत में आसानी तरीके से पहचान कर सकते हैं कि हमारी फसल में नाइट्रोजन की कमी है या पोटाश की कमी है। कि तो लास्ट की जो हमारी पत्तियां हैं अगर वो पीली पड़ रही हैं, पीली पड़ते पड़ते सड़ने लगती हैं, तो उसमें हमारे पोटाश की कमी होती है। और अगर हमारा पूरा पौधा पीला पड़ रहा है तो उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। तो जिससे किसान भाइयों, आप देख रहे हैं अगर इसमें आप लोगों की पोटाश की कमी है तो इसमें हमें पोटाश की मात्रा डालना है। और अगर हमारा पूरा पौधा पीला पड़ दिखाई दे रहा है तो अपन उसमें नाइट्रोजन की कमी है, तो आप उसमें नाइट्रोजन का स्प्रे या छिड़काव कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसी तरीके से आप पहचान कर सकते हैं अपनी फसल में, और अच्छी तरीके से अपनी फसल को पैदावार ले सकते हैं। अगर आप लोगों की, क्योंकि उसमें पोटाश की कमी होगी तो आप उसमें नाइट्रोजन डालोगे। बहुत से किसान कहते हैं कि आप पीला पौधा हो जाता है हमारी नाइट्रोजन की कमी से, तो उसमें दो अंतर मैंने बता दिया है। अगर आपका पूरा पौधा पीला पड़ रहा तो आपकी नाइट्रोजन की कमी है। अगर आप लोगों की लास्ट की पत्तियाँ जो हैं ये अगर पीली पड़ रही है तो आपकी पोटाश की कमी है। क्योंकि ये पौधा जो हमारी पोटाश की कमी होती है तो हमारी जो नए कल्ले होते हैं उस जगह पे हमारा जो है पौधा जो है वहाँ पर पोटाश की पूर्ति करता है, जो लास्ट की पत्तियाँ हैं वहाँ पर छोड़ देता है, जिससे कि इनको अच्छी तरीके से ग्रोथ होना, तो इसीलिए सड़ने लगती है। तो किसान भाई, उम्मीद है हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।